गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए आप लोग आइए, एमसीक्यू टेस्ट की जो शुरुआत होने वाली है आज, जो है एमसीक्यू की शुरुआत होने वाली है। आप लोग जो है एमसीक्यू में भाग ले सकते हैं और आंसर करने का प्रयास आप लोग सारे लोग मिलकर करिए। आप लोग का इस बात का डर हो सकता है कि हमारा आंसर जो है गलत हो जाएगा, लेकिन इस गलत फहमी में आप मत रहिए। आपका एक छोटा सा प्रयास आपको सफलता की ओर लेके जाएगा, आप सफल भी हो सकते हैं। इसके कारण से आप जो है आपको, हाँ जी आपको, आपको इस एमसीक्यू में भाग लेना है, लाइव चैट में जो है कमेंट करना है और आप लोगों को आंसर जो है क्वेश्चन के बाद तुरंत बताना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है सही है, कौन सा क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर आपका जो है चार बिंदु प्रकार का दिखाई दे रहा है, स्विंग दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसको ऑप्शन ए समझ सकते हैं, ऑप्शन बी समझ सकते हैं, ऑप्शन सी समझ सकते हैं और ऑप्शन डी, मतलब चार जो है ए बी सी और डी आप समझिए। और आपको यदि लगता है कि फर्स्ट वाला सही है तो आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट, या फिर आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर वन का दो सही है तो वहाँ पर दो को जो है सही करना है। बिल्कुल जिस प्रकार हम लोग पिछले टाइम जो है एमसीक्यू किए थे, जिस प्रकार आप लोग नंबर लिख लिख कर ऑप्शन बता रहे थे, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन आप लोगों को मान लेना है ये चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन क्या क्या है, ए बी सी और डी। जिसको एक नंबर का या दो नंबर का जिस ऑप्शन को अच्छा लगे कि हमको ये लगता है ये सही है तो आपको क्या करना है, उस ऑप्शन पर क्या कर देना है, टिक करना है। टिक क्या करना है, मतलब वहाँ क्वेश्चन नंबर वन लिखना है, क्वेश्चन नंबर वन लिखने के बाद उसका ऑप्शन लिखना है, इतना ही आप लोग को अभी करना है। तो जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए, सारे लोग जुड़ जाइए, जितने भी लोग हैं सारे लोग जुड़ जाइए। आइए टेस्ट के लिए आप लोग सारे लोग जो है जुड़ जाइए। आज जो है कुछ सवाल है, हम लोग एक साथ करते हैं, जल्दी से आप लोग सारे लोग जुड़ जाइए, आ जाइए आ जाइए, टाइम में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कल का दिन देखें, पिछले दिन जो है बहुत लोग जो है कि नहीं जुड़ पाए थे लाइफ में, तो ऐसा यदि है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एमसीक्यू का मज़ा तभी आता है जब एक साथ आदमी जुड़ता है, तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए और सारे लोग एक साथ जुड़ जाइए। अपना अपना जो है यहाँ पर प्रेजेंट करके हमें बताइए कि कौन कौन जुड़ गए हैं। जी जल्दी प्रेजेंट करिए, कौन कौन लोग जुड़ गए, कितने लोग जुड़ गए हैं, आप लोग थोड़ा सा हमें भी बताइए, हमको भी पता तो चलना चाहिए। और आप लोग को लास्ट में बताना है कि आज का टेस्ट में आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ, मतलब कितने प्रश्नों को आप जो है सही बनाए, ये आपको लास्ट में बताना है। इस बात को याद रखिएगा, लास्ट में ये भी बताना है कि आपका कितना सवाल जो है सही हुआ, इसको आपको लास्ट में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सवाल है 1774, मतलब 1774 ईस्वी, मतलब 1774, मतलब इसका मतलब है 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ। मतलब 1774 में पूछा जा रहा है, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी में कौन आसीन हुआ। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके हैं, आप पहले लिखिएगा ऑप्शन नंबर, आप लिखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन कमेंट में, उसके बाद आप जो है ऑप्शन चार हैं, चार में से जो आपको सही लगे उसका आंसर करना है। जितना जल्दी आप करिएगा उतना अच्छी बात होगी, और इसे आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है और कॉपी में नोट करने से फ़ायदा होगा तो ज़रूर नोट करिए, और आपको लगता है कि फालतू का आ रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो आप जो है उसके बाद भी नोट करिए, क्योंकि फ़ायदा आपको होगा। हमें पता है भले आपके दिमाग में ये चले कि ये सब क्वेश्चन क्या आता है, लेकिन आप इसको जो है दिमाग भले चले चलने दीजिए, लेकिन क्वेश्चन जो है सारा, सवाल जो है सारा आप कॉपी में नोट करिएगा, नोट कर कर जो है याद कर लीजिएगा, फ़ायदा तो बाद में मिलेगा। ओके, तो 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ। ऑप्शन नंबर ए लुइस प्रथम, ऑप्शन नंबर बी लुइस दसम, या फिर ऑप्शन नंबर सी लुइस 16, या इनमें से कोई नहीं।
इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए उत्तर देखिए में कितना आंसर हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लुइस 16वीं या 16। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बाद में कर लीजिएगा, अभी जो है आप लोग सिर्फ पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, बाद में ये सारा चीज़ आप लोग नोट भी कर सकते हैं दोबारा वीडियो देखकर। सवाल नंबर दो, किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, ऑप्शन ए 1810 ईस्वी, ऑप्शन बी 1774 ईस्वी, ऑप्शन सी 1804 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब क्या है, 1810, 1774, 1804, 1810, 1774, 1804 या इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर करना शुरू करिए जल्दी से, जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू कर देते हैं उसके टाइम ही आपको जो है दो नंबर लिख के आपको जो तैयार रहना चाहिए, जैसे ही ऑप्शन पूरा होता है वैसे आपको ऑप्शन दे देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1804 ईस्वी, इसको पार किया जाए। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है, मार्फा वासिलेवा थी कौन थी, मतलब कौन थी, एक बहादुर महिला कारगिल, ऑप्शन बी एक अनपढ़ किसान, ऑप्शन सी एक जादूगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये चार हैं, चार में से आपको ऑप्शन करना है, इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर हो गया बहादुर महिला कारीगर, मतलब यहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा है, आप देख के जितनी लिखना चाहें आराम से देख के लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार का, लेकिन आप लिखना चाहेंगे तभी लिख पाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। कॉपी में नोट कर लेना, हम जांच कर लेंगे। अब हम लोग सवाल नंबर चार करते हैं, सवाल नंबर चार में क्या है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है, लिरबे कहा जाता है, ऑप्शन बी फ्रैंक कहा जाता है, ऑप्शन सी मार्क कहा जाता है या डी इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन, चार ऑप्शन में से एक सही, क्वेश्चन नंबर चार है, चार का जो है किसी में एक ही सही होगा, चार ऑप्शन में चारों सही नहीं होगा, तो अब बताइए जल्दी से कौन सा सही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आंसर कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्क, इसका आंसर क्या हो जाएगा मार्क, इसका आंसर हो गया मार्क। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा नंबर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब अगला क्वेश्चन हम लोग का पांचवा नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, भारतीय वन कानून कब पारित हुआ, भारतीय वन कानून कब पारित हुआ, 1860 ईस्वी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1865 ईस्वी, ऑप्शन सी 1855 ईस्वी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चार क्वेश्चन के ये पांचवा क्वेश्चन का चार ऑप्शन में से एक सही होगा, तो अब बताइए कौन सा जो है सही होगा, जल्दी से बताइए कौन सा जो है सही होगा। इसका उत्तर हम लोग देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 1865 ईस्वी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स हम लोग का जो है अगला सवाल है, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं इसका कितना सही हो रहा है, अपना याद रखिएगा, लास्ट में जब वीडियो ख़त्म हो उस समय आपको जो है क्या करना है, उस समय आपको बताना है कि किसका कितना सही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऊँचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित चारगाह को कहा जाता है, मतलब ऊंचे पर्वतों में उपस्थित चारगाह को क्या कहा जाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है, चार ऑप्शन में पहला जो है ऑप्शन है बुग्याल, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी सावना, सावना ऑप्शन बी आपका क्या है सावना, और ऑप्शन सी आपका है पंपास, ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी फास्ट करिए आंसर करिए।
इसे कॉपी में भी नोट करना है, बार बार आप लोग को जानकारी दे रहे हैं कि इसको जो है कहाँ नोट करना है, कॉपी में नोट कर याद कर लेना है। इस बार शनिवार को नहीं, मंडे को ही आप लोग का कॉपी में देखूंगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बुग्याल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स का बुग्याल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, सेवन। पहली कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई। पहली कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार ऑप्शन सुन लीजिए यदि कन्फ्यूजन हुआ हो तो। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी है। जल्दी से आप लोग आंसर करिए, आप लोग का आंसर करना है, जल्दी से करिए। तो इसका आंसर देखते हैं, सेवन का आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा देखते हैं सेवन का आंसर क्या होगा। सेवन का आंसर जो हो जाएगा आपका इंग्लैंड हो जाएगा। सेवन का आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी निश्चित की गई है। एक क्रिकेट पिच के लंबाई जो है कितना निश्चित किया गया है, आप लोग का ये सवाल पिछले बार भी बताया गया था, तो आप यदि इसको याद करके रखे हैं तो इसका आंसर बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए 24 गज, ऑप्शन बी 20 गज, ऑप्शन सी 22 गज, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग करिए, पिछले बार ये सवाल हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो गया, देख लीजिए यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो गया, 22 गज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। शोकुलात का शाब्दिक अर्थ था, शोकुलात का शाब्दिक अर्थ था, ए नंबर बिना घुटने वाले, बी नंबर बिना रेवन वाले, सी नंबर बिना कसा कट वाले, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए आप लोग, नया नया सवाल आप लोग को दे रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी 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 करिए। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिना घुटने वाले। इसका आंसर क्या हो गया, बिना घुटने वाले। सवाल नंबर 10, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है। एक नंबर भारतीय शेयर बाजार है, बी नंबर अमरीकी शेयर बाजार है, या फिर सी नंबर जापानी शेयर बाजार है, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, इसका आंसर हो गया अमरीकी शेयर बाजार है। तो आपका 10 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग भूगोल में आते हैं। भूगोल में क्या आते हैं तो देखते हैं। भूगोल का पहला सवाल है, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। चीन से छूती है, ऑप्शन ए बी भूटान से छूती है, ऑप्शन सी नेपाल से, या ऑप्शन डी म्यांमार से। आपका आंसर करना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर देखते हैं, देखिए टच करने से तुरंत आंसर निकल रहा है। इसका आंसर क्या हो गया, नेपाल हो गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, भूगोल का ये दूसरा सवाल है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी का नाम पूछ रहा है, तो उसको ऑप्शन ए कोरोमंडल है, ऑप्शन बी कन्नड़ है, या ऑप्शन सी कोणार्क है, या ऑप्शन डी उत्तरी सरकार है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से आपको करना है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से करिए। तो इसका आंसर यहाँ पर देख लें सब लोग, देखिए आप भी देखिए क्या खुल के आता है। जादू की पुड़िया नहीं, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। यहाँ पर टच करने से आंसर निकलता है, देखिए क्या हो गया, कौन कन, ये आपका आंसर सही हो गया। यदि मेरा उच्चारण गलत होगा तो यहाँ पर आप देख के लिख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मेरा उच्चारण बोलने पर मत जाइए, वीडियो को भी ध्यान से देखिए और नोट करिए, हो सकता है कि मैं कहीं गलत भी पढ़ जाऊँ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 किसका, भूगोल का। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, मतलब उसका जो है निर्माण या फिर शुरुआत कहाँ से हुआ है। ऑप्शन ए सतपुड़ा से, ऑप्शन बी अमरकंटक से, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट के ढाल से। ये चार ऑप्शन आप लोगों के साथ साझा किया गया। यहाँ पर
आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है, कौन सा ऑप्शन जो है सही है ये बताना है। सबसे पहले लिखिए 3, उसके बाद ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो आपको सही लगता है वो आप लिख दीजिए। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा ये देखिए निकल गया अमरकंटक। क्या होगा इसका आंसर? अमरकंटक, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, भूगोल का जो है क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए चक्रवातीय आपदा, ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी मानसून की आपसी, ऑप्शन डी दक्षिणी और पश्चिमी मानसून। ये चार क्या है आपका, आपका ऑप्शन निकल गया। अब जो है आंसर करिए, आंसर करिए। अब हम यहाँ पर खोलते हैं आंसर क्या निकलता है। देखिए देखिए क्या सेट है, मस्त है कि नहीं, एकदम छूने से ही आंसर दिख जाता है। ये देखिए पश्चिमी विक्षोभ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। अपना अपना देख लीजिए किसका सही हुआ किसका गलत हुआ। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? सिनकोना जो है एक प्रकार का वृक्ष है, तो कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ मेरा बोलने से हो गया, लेकिन उसको आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए हो गया आपका 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हो गया आपका 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो गया 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी हो गया 50 सेंटीमीटर। मतलब दो दो 50-50 है, तो आपका तीन ही ऑप्शन समझिए कि तीन ऑप्शन आपको मिला है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर कितना हो गया? 170 वाले सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर जहाँ पर है वहाँ पर जो है ये वर्षा जो है जगह पे जहाँ पर वर्षा होता है वहाँ पर सिनकोना वृक्ष पाए जाते हैं। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर, बी नंबर उच्च मृत्यु दर, ऑप्शन सी उच्च जीवन दर, ऑप्शन डी अधिक विवाहित जोड़े। तो 6 नंबर का क्या हो गया आंसर? यहाँ पर आपको करना है आंसर, कौन सा होगा आंसर, जो होगा आंसर आप करिए आंसर। यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा ये देखिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो हम क्लिक करेंगे आपको तो दिखाई नहीं देगा लेकिन हमको दिखाई देगा। जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपको जो है आंसर खुलकर बाहर आ जाएगा। देखिए ये आंसर खुलकर आ गया, क्या आंसर निकला? उच्च जन्म दर। इसका आंसर क्या हो गया? उच्च जन्म दर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? 7 मतलब 7, और किसका? भूगोल का। भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो देश है किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन सी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन डी दोनों इनमें से कोई नहीं। गजब 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 हमने सेट किया, सोचो दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोनों को हटा दो, इनमें से कोई नहीं, खालू याद रखो। तो बताइए आंसर क्या होगा 7 का? ये भूगोल का है, जल्दी से बताइए। और लेसन 1 का है ये भी याद रखिए, इसलिए हमने कहा था भाई पढ़ लो बढ़िया से, प्रॉब्लम आ जाएगी। यदि पढ़े होते बढ़िया से, पूरा पूरा वीडियो देखे होते, पार करके नहीं देखे होते और आप पूरी तरह शुरुआत से लास्ट तक देखे होते हैं तो इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन आ रहा है ना प्रॉब्लम, आ रहा है कि नहीं? लेकिन वीडियो वाली बात नहीं है, ये आप लोग को जो हम पर्सनल पढ़ा चुके हैं सामने आमने सामने हम लोग, और लेसन 1 हम लोग भूगोल का साथ में एक जगह एक विशेष क्लास में आप लोग पढ़े थे, याद है ना? तो भी आप लोग जो हैं, और बाकी तो आप लोग वीडियो पार करके देख भी करते हैं, तो उसमें जो है कि नुकसान आप लोग का होगा, तो उसको भी ध्यान से देखिए। कुछ बच्चे हैं जो हर एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो वीडियो को थोड़ा पार करके
देख लेते हैं, पता चल जाता है। लेकिन हमको क्या, आपको लगता है कि वीडियो पार करके देखने से जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाएगा या फिर जल्दी से जल्दी वीडियो समाप्त होने से नेट बच जाएगा? तो बचाइए अपना नेट, कोई दिक्कत नहीं। और आप लोगों को लगता है कि नहीं वीडियो पूरा देखना है, तो देखिए इसमें से कुछ बच्चे हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं, बाकी तो सारे लोग वीडियो पार करने में लगे रहते हैं। और टाइमिंग आप लोग का 7 ही बजे। कभी कभी जो है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम होने कारण से ही जो है थोड़ा लेट होगा, लेकिन आप लोग का टाइम जो है 7 बजे ही है। 7 बजे जो है हम कोशिश करेंगे हर दिन के 7 बजे आपको वीडियो मिल जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है प्रॉब्लम हो जाता है, और प्रॉब्लम के कारण से जो है हमें वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है। ऐसे मेरा भी मन थोड़ी ना है कि वीडियो लेट करके जाए, लेकिन अब अपलोड ही नहीं होगा तो फिर आप लोग देख कैसे पाएंगे? एक बार अपलोड हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको पता है आप लोग के लिए हम इतना कर रहे हैं, लेकिन जो नेटवर्क वाला वो तो उसको तो नहीं पता है कि आप लोग के लिए इतना कर रहा है कोई व्यक्ति, उसको नहीं पता है कि उसको इतना करने देना है कि नहीं करने देना है। तो अपलोड जब हो जाता है तो आपको 7 बजे मिल जाता है, और अपलोड नहीं हो पाता है तो कभी 8 ही बज जाता है। जैसे पिछले बार मैं 8 बज गया था, तो उसके लिए सॉरी जो 8 बजे वीडियो गया, और बाकी जो है इंजॉय करिए इस वीडियो को, आंसर करिए इस वीडियो को कमेंट कर करके। यदि आप सारे लोग जुड़ेंगे तो मज़ा आएगा, और नहीं जुड़ेंगे तो भी कोई बात नहीं, मेरा किया जाएगा। तो इसका 7 का आंसर देखते हैं। 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध। 7 का आंसर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, भूगोल का क्वेश्चन नंबर 8, क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप का नाम क्या है? उसका नाम लक्षद्वीप है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी पेनर द्वीप है, ऑप्शन सी मालदीप है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप का नाम क्या है? लक्षद्वीप, वेनर द्वीप, मालदीप, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर देखते हैं आंसर क्या होगा। ये देखिए आंसर निकल के आया, आंसर क्या निकल के आया? बेनर द्वीप। क्या निकल के आया? बेनर द्वीप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। लू शब्द का अर्थ है, लू शब्द का अर्थ है ठंडी हवा, गर्म हवा, बर्फीली हवा, इनमें से कोई नहीं। मतलब ठंडी हवा, गर्म हवा, बर्फीली हवा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए हो गया आपका ठंडी हवा, ऑप्शन बी हो गया आपका गर्म हवा, ऑप्शन सी हो गया बर्फीली हवा, ऑप्शन डी हो गया आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट तो कर ही दिए होंगे, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा गर्म हवा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। नदी या धारा जो बड़ी नदी या झील में जाकर मिलती है कहलाती है मृतिकाएँ, ऑप्शन बी सहायक नदियाँ, ऑप्शन सी मृतिकाएँ और सहायक नदियाँ, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप कमेंट से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। इसका आंसर देखते हैं क्या क्या होता है। इसका आंसर होगा आपका सहायक नदियाँ। इसका आंसर क्या हो गया? सहायक नदियाँ। इसका आंसर क्या हो गया? सहायक नदियाँ। इसके बाद आप लोग जो है ये जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये तो आपको पुराना क्वेश्चन दिख रहा होगा, मतलब ये हो चुका है, इसका वीडियो जो है पहले ही बन चुका है, लेकिन फिर इस वीडियो को दोबारा बनाने का क्या ज़रूरत है? मतलब ये आप लोग का रिवाइज है, और हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग जो हैं याद करके रखा हुआ है ना, कितना लोग जो है याद किया, या फिर जो है हम जो करवा रहे हैं वो जो है सिर्फ ऐसे ही जा रहा है। तो आप लोग जो है अपना कॉपी निकालने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि पिछले बार तो हो चुका है, तो आप लोग कॉपी निकाल कर जो नोट किए हैं वो निकाल कर आंसर देने का प्रयास नहीं करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये रिवाइज क्लास है, देखते हैं रिवाइज क्लास और उसमें टोटल मिलाकर आप लोग कितना सही करते हैं। मतलब कि ये तो हो चुका है, लेकिन कॉपी को निकालेगा कोई नहीं, कॉपी निकाल के आंसर मत कीजिएगा, ये गलत बात है कि नहीं? तो
अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। इतिहास से यूनिट 1 से शुरुआत करते हैं। इतिहास, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट। बहुत जल्दी जल्दी करवाएंगे, जल्दी जल्दी आंसर करना है क्योंकि ये हो चुका है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का सम्राट, इंग्लैंड का सम्राट। जल्दी से जल्दी बताइए, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सही। एक नंबर का ऑप्शन बी होगा, फ्रांस का सम्राट। आज जो है क्वेश्चन बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट। 1917 में चार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? 1917 में चार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? ए नंबर फरवरी क्रांति, बी नंबर खूनी क्रांति मतलब खूनी रविवार, और सी नंबर अक्टूबर क्रांति, डी नंबर मार्च क्रांति। इसका आंसर करना है आपका दो का जो है आंसर क्या होगा, आपको करना है दो का आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको करना है दो का आंसर, दो का आंसर सी होगा, अक्टूबर क्रांति, अक्टूबर क्रांति। आगे देखते हैं, लेनिन कौन था? लेनिन कौन था? ए नंबर बोल्शेविक पार्टी का नेता, बी नंबर अंतरिम सरकार का नेता, सी नंबर मेंशेविक पार्टी का नेता, डी नंबर उदारवादी दल का नेता। तो आपका तीन का आंसर करना है, तीन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं चार, क्वेश्चन नंबर चार में, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं? ए नंबर जर्मनी, इटली, जापान, बी नंबर ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, सी नंबर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और डी नंबर फ्रांस, जर्मनी, जापान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, चार का आंसर हो जाएगा सी, सी नंबर ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मित्र राष्ट्र कहलाते थे। एक धुरी राष्ट्र कहलाता था और एक मित्र राष्ट्र कहलाता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव में चलते हैं। सन 1600 में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? एक ए नंबर छठा भाग, बी नंबर पांचवा भाग, सी नंबर चौथा भाग, डी नंबर तीसरा भाग। पांच का आंसर क्या हो जाएगा, पांच का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? ए नंबर 1863 ईस्वी, बी नंबर 1865 ईस्वी, सी नंबर 1864 ईस्वी, डी नंबर 1866 ईस्वी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भावर किसे कहते हैं, भावर किसे कहते हैं, ये जो है क्वेश्चन नंबर सेवन है। भावर किसे कहते हैं? ए नंबर ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान, बी नंबर तटीय मैदान, सी नंबर पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सात का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं आठ, क्वेश्चन नंबर आठ, कॉमंस किसे कहते हैं, कॉमंस किसे कहते हैं? ए नंबर साझा जमीन, बी नंबर साझा जंगल, सी नंबर साझा उद्योग, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आठ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नाइन का चलते हैं जल्दी जल्दी। नाइन में आपका जो सवाल पिछले बार देखिए आ गया तुरंत, इसका आंसर तो आप लोग तुरंत कर देंगे। नाइन का हम जो है कुछ बोले भी नहीं करेंगे, जाइए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1903, ए नंबर, बी नंबर 1904, सी नंबर 1905 और डी नंबर 1906। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर।